गाइस अभी हम दूसरे पार्क में थे बट अब हम जो हमारे नियर बाय पार्क पड़ता है वहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ मम्मी और मेरी मौसी जी का लड़का यानी मेरा भाई दोनों विदाउट स्लीपर वॉक कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील आती है जब ग्रास होती है, जो घास होती है ना उसमें ऐसे वॉक करने में। सुबह सुबह बोलते हैं कि ऐसे नंगे पैर वॉक करते हैं ना तो आँखों की जो आई साइड होती है वो अच्छी भी हो जाती है। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो, और ट्राई कर रखा है तो अच्छी बात, आपको पता होगा। और पार्क भी अच्छा है, ये नियर बाई पड़ता है, ये थोड़ा छोटा है, वो वाला पार्क थोड़ा बड़ा था, बट पार्क दोनों ही अच्छे हैं। सुबह आऊँगा यहाँ पे, आपको दिखाऊँगा अच्छे से। अभी नाइट में तो इतना ओवर व्यू हो नहीं पाएगा तो सुबह आके आपको दिखाता हूँ। थोड़ा नाइट में आप देख सकते हो वो सामने गेट है, ये पूरा है। और ये यहाँ वो कर रहे हैं मम्मी और भाई। मेरी सिस्टर तो फ्लैट पे चली गई है बिकॉज़ उसका कल एग्ज़ाम है ना एडवांस का IIT, जैसे मैंने आपको बताया था इसलिए आई एम। तो वो अभी अपने जाके प्रिपरेशन कर रही है, थोड़ा बहुत जो भी रिवाइज करने को रह रहा है वो रिवाइज कर रही है। और आज यहाँ मोमोज खाए गाइस, मैंने बहुत टाइम बाद खाए हैं बिकॉज़ आपको तो पता है डाइट पर चल रहा हूँ मैं, जिम जाता हूँ। सो इतने टेस्टी लगे, इतने टेस्टी लगे। एक तो ये भी है कि बहुत टाइम बाद खाए हैं और बना भी बहुत अच्छे रखा था और एरिया भी वो बड़ा अच्छा था। बोलते हैं ना कि देख के बैठ के वहाँ पे मन लगता है, बस देखते रहो, बैठ जाओ एक जगह। सो बड़ा मज़ा आ रहा था वहाँ पे बैठ के भी। फिर उसके बाद हम वो जो शॉपिंग वगैरह की, देन अब आ गए हैं यहाँ पे आराम से पार्क में घूम रहे हैं। अब जाके डिनर वगैरह बनाएंगे, कुछ हल्का ही बनाएंगे क्योंकि टमी तो फुल ही है, मोमोज वगैरह खा के आए थे। सो देखते हैं क्या बनाएंगे, जहाँ तक है राइस एंड दाल ही बनाएंगे। सो अभी बातचीत करते हैं फिर चलते हैं, और कल सुबह आपको ज़रूर दिखाऊँगा यहाँ का ओवरव्यू पूरा। सो गाइस अभी फ्राइड राइस बन रहा है, ये मसाला रेडी हो गया, इंग्रेडिएंट्स। फ्राइड राइस रेडी हो गए हैं, देखने बड़े। सो गाइस ये डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है और मम्मी और भाई टेरिस पे गए हैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे साइड में स्टडी कर रही है। सो इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ कल आपसे। सो गाइस अभी सिस्टर एग्ज़ाम देने गई है, तो उसके दो एग्ज़ाम है आज। अभी 9 to 12 होगा एक तो स्टार्ट, और दूसरा होगा 2 to 5। सो अभी गए हैं, यहाँ से 15 to 20 मिनट्स का रास्ता है। सो अभी टाइम हो रहा है 7:30 के आसपास, तो आराम से हाफ एन आवर में रीच कर जाएंगे। सो मिलता हूँ आपसे बाद में। सो हे गाइस, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ जिसमें पोहे लिए है और एक बन लिया है और चाय, जो पोहे के साथ नमकीन खाने का भी अलग ही मज़ा है। सो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। मैं सॉन्ग ऐड करना रह गया था, टाइम भी ज़्यादा हो गया था और पूरे दिन रेस्ट भी नहीं किया था, मतलब सोया नहीं था। सो टाइटनेस ज़्यादा हो गई थी, सो नाइट में 1 o'clock के आसपास सो गया था। तो अब सॉन्ग ऐड कर दिया है और अब अपलोडिंग भी पे भी लगा दिया है वीडियो, और अब देखता हूँ। मम्मी और भाई तो अभी लंच की तैयारी कर रहे हैं और क्योंकि सिस्टर का एग्ज़ाम 12 o'clock के आसपास छूटेगा आएगी, वो फर्स्ट एग्ज़ाम ओवर होगा, सेकेंड 2 to 5 है। तो मम्मी जाएंगी, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से, ठीक है। तो मम्मी जाएंगी, उसके लिए लंच वगैरह बना के लेके जाएंगी। सो अभी देखता हूँ क्या बना रहे हैं जाके वहाँ पे, और आपको बताता हूँ क्या बन रहा है आज लंच में। सो मिलता हूँ आपसे बाद में, इतने वेट करो आप भी। सो गाइस टाइम हो गया 11
क्लॉक और मैंने बात भी कर लिया है, और जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया तो मुझे पता चला कि इमेच्योर का सेकंड सीज़न भी आ गया है वो प्राइम पर। फर्स्ट सीज़न आया था एमएक्स प्लेयर पर, सेकंड सीज़न आया है प्राइम पर, तो बहुत खुशी हो रही है। मैं वेट कर रहा था यार बहुत टाइम से कि कब आएगा कब आएगा, बट एमएक्स प्लेयर पर देखता था, बट अब मुझे पता चला है कि इस पे प्राइम पर आया इसका सेकंड सीज़न। सो देखता हूँ और कुछ क्लिप्स आपको भी दिखाता हूँ। सो मिलता हूँ आपसे बाद में। सो गाइज, अभी मम्मी और भाई अभी गए हैं सिस्टर के पास क्योंकि उसका 12 o'clock होने वाले हैं, तो सिस्टर का एग्ज़ाम फर्स्ट वाला फिनिश होने वाला है, तो लंच लेके गए हैं। और लंच में बनाया है मम्मी ने भी भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, दाल बनाई है और राइस बनाई है। सो सिस्टर के लिए तो सिर्फ दाल और राइस लेके गए हैं, और कुछ जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी चाहिए होगी वहाँ से ले लेंगे। सो अभी मुझे भी भूख लग रही है, मैं भी अभी वेब सीरीज़ देख रहा था, सो कुछ देखता हूँ क्या खाऊं या फिर बताता हूँ आपको क्या खाता हूँ अभी, या फिर लंच ही करता हूँ या फिर वेट करूँगा उनका आने का, उनके साथ ही लंच करूँगा। तो देखता हूँ कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ रखा है तो वो खाता हूँ। सो गाइस, आपको तो पता है मैं नोएडा में हूँ, और यहाँ पे पास में 10 किलोमीटर के आसपास जो ट्विन टावर करके बिल्डिंग थी दो, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि 9 साल से केस चल रहा था, और अब जाके उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। सो दिखाता हूँ आपको, अभी क्लिप मैंने बनाई थी और सुबह के ब्रेकफास्ट जो पोहे खाए थे वो थोड़े बच रहे थे, उसमें मैंने नमकीन मिलाई है नवरत्न। सो अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा है, सो वो खा रहा हूँ अभी मैं। अभी लंच में टाइम है, सो मम्मी और भाई आ जाएंगे तब लंच करेंगे साथ में। सो अभी इतने इससे ही काम चलाता हूँ और मिलता हूँ आपसे बाद में। अभी सिस्टर का एग्ज़ाम फिनिश हो गया है और भाई लेने गया है, सो सिस्टर भी आती होगी 15 to 20 minutes में। सो जहाँ उसका फर्स्ट एग्ज़ाम तो अच्छा रहा, बताया था मम्मी गई थी ना तो लंच लेके, तो एग्ज़ाम बड़ा अच्छा गया। तो अब वेट कर रहे हैं सिस्टर के आने का और पूछते हैं कि एग्ज़ाम कैसे गया। तो फिर मैच भी है 6:30 इंडिया और पाकिस्तान का मैच स्टार्ट होगा एशिया कप, तो उसका भी वेट कर रहे हैं हम कब मैच स्टार्ट होगा। सुबह से वेट कर रहा हूँ मैं, तो सुबह से क्या पता नहीं कितने दिनों से वेट कर रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान, बट सुबह से वेट नहीं हो रहा है, बस टाइम निकाल रहा हूँ कि कैसे टाइम निकल जाए और मैच अच्छा देखने को मिले, होप तो यही है। सो गाइस, अभी हम मार्केट जा रहे हैं, घूम के आते हैं, देन मैच स्टार्ट हो जाएगा, फिर मैच देखेंगे। सो जल्दी आते हैं मार्केट जाके। सो चलते हैं अभी।